नमस्ते दोस्तों, मितास किचन एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज मैं एक वीकेंड स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ और इसे आप समर स्पेशल भी कह सकते हैं। आज मैं लेकर आई हूँ आम खीर। आज हम देखेंगे आम खीर या फिर आम पायसम कैसे बनाते हैं, तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा जानने के लिए कैसे बनाना है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पे मैंने दो हीम सागर मैंगो ले लिया है मीडियम साइज़ का, और हीम सागर मैंगो वेस्ट बंगाल का वन ऑफ द मोस्ट फेमस मैंगो है और इसे वेस्ट बंगाल के लोग किंग ऑफ मैंगो के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हमारा पेस्ट रेडी हो गया है, अब अभी हम लोग इसे साइड में रख देंगे। अब मैंने एक यहाँ पे कढ़ाई ले लिया है और इसमें हाफ टी स्पून घी मैंने डाल दिया है। घी गरम होने तक का हमें वेट करना है और इसके बाद मैं इसमें दे दूंगी काजू और किशमिश। मैंने यहाँ पे 25 ग्राम काजू और 25 ग्राम किशमिश लिया है। इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और इसे एक दूसरे कटोरी में रख देंगे अलग करके। अब हम उसी कढ़ाई में 100 ग्राम गोविंद भोग राइस ऐड कर देंगे। गोविंद भोग राइस आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएगा, जस्ट आपको टाइप करना है गोविंद भोग राइस। और अगर आप वेस्ट बंगाल में ही रहते हैं तो आप किसी भी शॉप में जाएंगे, किसी भी मार्केट में, वहाँ पे आपको बहुत इजीली ये मिल जाएगा। इसे हम लोग थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और फिर इसे भी हम लोग एक कटोरी में अलग करके साइड में रख देंगे। अब मैं कढ़ाई में 1.5 लीटर दूध डाल दूंगी और मैंने यहाँ पे फुल फैट मिल्क लिया है। अब है खीर बनाने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो है दूध को बहुत अच्छे से आपको बॉयल करना है और दूध जब तक घना नहीं हो जाता तब तक आपको इसे फ्लेम पे रखना है। पहले आपको हाई फ्लेम में रखना है, फिर मीडियम, फिर लो। जैसे कि मैंने अभी हाई फ्लेम में रखा है और देखिए थोड़ा सा बॉयल होना ऑलरेडी शुरू हो गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो फ्राई किया हुआ काजू और किशमिश था वो ऐड कर दिया। अभी हम लोग इसे ओकेजनली स्टरिंग पे रखेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। जैसे ही हम लोगों ने इसे बॉयल पे रखा, ये ऑलरेडी देखिए क्रीम निकालना शुरू कर दिया है, साइड में ऑलरेडी क्रीम लग चुका है। तो आप इस क्रीम को निकाल के दूध के साथ ही मिक्स कर दीजिएगा, इसे अलग मत कीजिएगा। ये बहुत ही एक यूनिक रेसिपी है और साथ में इनोवेटिव भी है। तो अगर ये आपके घर में बना हो और आपके घर में गेस्ट आ जाए तो आप तो इजीली ये आपके गेस्ट को ऑफर कर सकते हैं। आई एम श्योर वो ना नहीं कहेंगे इतना इनोवेटिव और टेस्टी रेसिपी देख के। अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे गोविंद भोग राइस जो हमने फ्राई करके रखा था, और ये हमने ऐड किया ऑलमोस्ट 20 मिनट्स दूध बॉयल होने के बाद। चावल ऐड कर देने के बाद हमें इसे कंटिन्यूअस स्टरिंग पे रखना है। इतनी देर तक हम लोगों ने ओकेजनली स्टरिंग पे रखा था, लेकिन जैसे ही चावल ऐड कर देते हैं इसमें एक टेंडेंसी पैदा हो जाती है कि ये कढ़ाई के साथ लग जाए। उसे अवॉइड करने के लिए आपको इसे कंटिन्यूअस स्टरिंग पे रखना है ऑलमोस्ट 30 मिनट्स। और अब इसमें मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर चीनी दिया है 2 टेबल स्पून। मैंने यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल बहुत कम किया है क्योंकि मैंगो इन इट्सेल्फ बहुत स्वीट होता है, इसीलिए चीनी आपको यहाँ पे बहुत कम देना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसे क्रीम उभर के आ जाएंगे और इसे आपको दूध के साथ चावल के साथ मिक्स कर लेना है। इसे आप उठा के फेंक ना दे तो ही अच्छा है, आप इसे चावल के साथ मिक्स कर दे तो खीर का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। चावल देने के बाद आपने नोटिस किया है कि हम लोगों ने जितना दूध को बॉयल किया है 1.5 लीटर दूध कितना कम हो चुका है। ऐसे ही आपको इसे स्टरिंग पे रखना है। ये एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, मैं आपको बोलूँगी आप इसे एक बार ज़रूर पूरी के साथ ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी होता है खाने में, और जैसा कि मैंने बोला कि ये समर स्पेशल रेसिपी है और वीकेंड स्पेशल भी, तो आज तो सैटरडे है ही, तो क्यों ना आज आप एक बार ट्राई करें और कल संडे पूरी के साथ इसे ब्रेकफास्ट पे ले लें।
ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के बाद आपको एक बार चेक कर लेना है ऐसे ही लेके चावल कि वो चावल सॉफ्ट हुआ है या नहीं। और ये प्रोसेस आप बड़े ध्यान से करें क्योंकि चावल बहुत गर्म रहेगा, आपके हाथ जल सकते हैं। और ये चेकिंग आपको ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के बाद करते रहना है बीच बीच में। ये मेरा फाइनल चेकिंग है और मेरा खीर रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। खीर हम लोग का ठंडा हो चुका है और गैस का फ्लेम भी ऑफ है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैंगो पेस्ट। बहुत धीरे धीरे आपको इसमें ऐड करना है, एक ही बार में पूरा मत डालिएगा, धीरे धीरे ऐड कीजिएगा। आम का पेस्ट ऐड होने की वजह से कितना सुंदर खुशबू और टेक्सचर इसका आ गया है। टेक्सचर तो आप देख ही सकते हैं, लेकिन खुशबू पाने के लिए ये तो आपको बनाना पड़ेगा। तो आज ही बना लीजिए मेरा ये रेसिपी देख के आम खीर, और बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कैसा लगा मेरा आज का ये रेसिपी। अब कर लेते हैं इसे सर्व। और मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल में अगर न्यू है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर घर पे कोई प्रोग्राम या फंक्शन हो या फिर फैमिली गेट टुगेदर हो तो आप इसे एज अ डेजर्ट आइटम रख ही सकते हैं। आइसक्रीम तो हम सब खाते हैं दुकान से लाके, लेकिन आम खीर आप इस बार ट्राई करेंगे तो थोड़ा सा यूनिक ही होगा, एंड आई एम श्योर ये आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक